Welcome back in the third session of numericals related to magnetism unit. इसमें आप ध्यान दीजिए कि सामने आपके क्वेश्चन है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड ये एक स्क्वायर लूप है PQRS ऑफ साइड ए एंड वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्क्वायर लूप एंड यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई वन I2 अपॉन 2 पाई R लिख सकते हैं A लिख सकते हैं और ये जो फोर्स है इट इज नॉट द फोर्स इट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ. अब यहां पर अगर हम चेक करें कि फोर्स ऑन PQ पार्ट ऑफ द कंडक्टर इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई A. A is the distance between these two conductor and this is the force acting on unit length of PQ. Total force acting on this part is equal to multiply by A. Agar force per unit length is equal hai, toh is length per kitna force lagega multiply by A and direction of this force, agar is force ke direction ki hum baat kare, kyunki is conductor aur is conductor mein current ke direction kya hai, opposite hai. In case when direction of current yani when the two conductor are carrying current in the same direction unki us case mein wahan unke beech mein attraction hoga. In case when the two conductor are carrying current in opposite direction us case mein unme kya hoga, repulsion hoga. Here the two conductor they are carrying current in opposite direction yani ki yahan par kya hoga, repulsion hoga. So this will be the direction of F1. Ye F1 ka direction hai yani ki ye jo straight conductor hai isko repel kar raha hai with this force और हम इसको F1 लिख देते हैं. F1 is equal to this. Okay. Now similarly we can find the force acting on RS part of the square loop and it is also equal to mu naught current I1 I2 upon 2 pi A. इस रिलेशन में जो A है it is the distance between the two parallel conductor and ये distance A है ये distance A है total distance is equal to 2A. Okay. This is the force on the unit length of RS conductor. And force on unit length is this. So length of this portion is equal to A. So total force is equal to multiply by A. Or is force ko main likh raha hu F2. Or is force ka direction kya hoga wo aap dhyan dein. This conductor and this conductor. They are carrying current in the same direction. In such case, unke beech mein kya hoga? Attraction hoga. Yani ki this will be the direction of F2. Ab isko thoda sa agar hum solve kar lein. So it can be written as mu naught I1 I2 upon AA cancel 2 pi. और यहां पर भी अगर a और a को हम कैंसिल कर दे तो वी हैव म्यू नॉट i1 i2 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4 पाई. अगर दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करें तो दिस फोर्स इज मोर देन f1 इज मोर देन f2. देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द लूप इज गिवन बाय f1 माइनस f2. अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू. इन सब में सब चीज कॉमन है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई हमने कॉमन ले लिया विद इन ब्रैकेट बचा वन और यहां पर बच रहा है वन बाय टू विच इज इक्वल टू हाफ. एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दिस फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन अब आप ध्यान देना इट इज इक्वल टू फोर पाई. फोर्स इज इक्वल टू दिस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप इज इक्वल टू दिस. अब अगर इसकी हम बात करें कि क्यू आर पर कितना फोर्स लगेगा पी क्यू पर कितना फोर्स लगेगा तो वह आप ध्यान दें कि क्यू आर पर फोर्स और पी क्यू पर जो फोर्स है दे आर इक्वल एंड अपोजिट हेंस दे कैंसल्स ईच अदर. लेकिन इस पोर्शन पर जो फोर्स लग रहा है और इस पोर्शन पर जो फोर्स लग रहा है दे आर नॉट इक्वल एंड देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस रिलेशन. और क्योंकि एफ वन इज मोर विच इज ए रिपल्सिव फोर्स यानी ये जो फोर्स है ये फोर्स कैसा है इट इज ए रिपल्सिव फोर्स यानी कि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इट विल रिपल द स्क्वायर लूप. कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है सर्कुलर लूप इस पर प्लेस्ड है विच इज कैरिंग करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब बताओ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा. तो सीधे सीधे जो पार्ट क्लोज है उस पार्ट में करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो अट्रैक्शन होगा अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्शन होगा. इससे रिलेटेड वन मार्क में क्वेश्चन एक और बनता है कि इन केस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड अगर किसी सोलेनोइड से करंट को पास करें हाउ इट विल अफेक्ट द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड यानी उसके लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा. एज व्हेन करंट इज पास थ्रू द सोलेनोइड द
the coils, they carry current in same direction. So, jo coils pass pass hai, as they are carrying current in the same direction, they attract each other. So, overall impact kya hoga? Jo solenoid hai, on passing current through it, it will contract. Okay. Now, in next question, it is given that straight current carrying wire, उसको सबसे पहले एक सर्कुलर कॉइल की शेप में टर्न किया गया एंड उसके बाद में उसको n नंबर ऑफ टर्न्स की सर्कुलर कॉइल में चेंज किया एंड इट कैरीज सेम अमाउंट ऑफ करंट. नाउ वी हैव टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ लार्जर रेडियस टू द कॉइल ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम स्ट्रेट वायर. नाउ इन सच केस वी नो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर is given by mu naught I upon 2R. Same wire is wounded in the shape of coil of N turns. In such case, the strength of magnetic field at the center is given by mu naught I upon 2R, where R is the radius of this smaller coil. As it have N number of turns, yahan par aa jayega Ni. We have to compare the strength of magnetic field at the center of the two coils. So, comparison ka matlab hai, we have to take the ratio of B1 and B2. So, agar hum isko divide karein, mu naught I upon 2R, mu naught Ni upon 2R. So, mu naught I or 2 cancel ho jayega. Aur in numerator, humare paas sirf bachega 1 by R. Aur yahan par humare paas bachega N by R. Which is equal to, agar isko hum solve karein, to we have 1 by N into R by capital R. अब आप देखें कि ये जो coil है, it is obtained from this wire. This n number of turns is also obtained from the same wire. तो इस wire की जो length है, उसको इस shape में turn किया गया, तो इसकी length कितनी होगी? 2 pi R. और इसी wire से n number के turns की coils बनाई गई है, तो इसकी जो length होगी, वो होगी n times of 2 pi R. 2 pi से 2 pi cancel. एक तरह से हम बोल सकते हैं कि R is equal to nR. तो R by capital R is equal to 1 by N. यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 by N according to that relation. It means B1 by B2 is equal to 1 by N square. And in this way we can compare the ratio of strength of magnetic field in the two cases. When a charged particle enters in uniform magnetic field at some angle or at right angle to each other, write the expression for the force experienced by the charged particle. In vector form it is given by Q V cross B. Scalar form mein its magnitude is equal to Q V B sine of theta. Kai baar ye question aata hai ki write the expression for the force experienced by a charged particle moving in uniform magnetic field. We have to write this relation. Fir usme pucha jata hai, identify the pair of perpendicular vector. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के दिमाग में ये डायग्राम होता है और वो क्या बोलता है कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इस रिलेशन से कहां पता चल रहा है कि वी एंड बी आर परपेंडिकुलर? इस रिलेशन में कहां लिखा हुआ है कि थीटा इज ऑलवेज 90? मींस वी और बी के बीच में एंगल 0 से 90 या मोर देन 90 भी हो सकता है. अब यहां पर आप ध्यान दें कि ये जो फोर्स वेक्टर है, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट रूल. मींस राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल से हम फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी. यानी वी और बी जिस प्लेन में है, वी और बी जिस प्लेन में है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगा. एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट. मींस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी. तो अगर आपको पेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. दीज आर द टू पेयर्स विच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. फोर्स जो है वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा. अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. इसका क्या मतलब है कि इट कैन चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो चेंज कर सकता है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता. यानी कि इन केस when a charged particle enters in uniform magnetic field, it follows a circular path of constant speed. Means with constant speed से वो circular path को follow करता है. उसका magnitude change नहीं होगा. अगर magnitude change नहीं हो रहा है, तो उस magnetic field के अंदर उसकी kinetic energy भी same रहेगी.
ओके तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो इस रिलेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। यहां पर एक डायग्राम और आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक चार्ज पार्टिकल है या एक पार्टिकल है, मान लेते हैं दैट पार्टिकल एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड। अब अगर ये पार्टिकल न्यूट्रल है उस केस में इसके पाथ को ट्रेस करो, तो न्यूट्रल पार्टिकल के केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, एज क्यू इज जीरो, तो फोर्स ऑन द न्यूट्रल पार्टिकल विल बी जीरो, तो वो पार्टिकल अनडेविएटेड पास हो जाएगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, यहां पर एज पर आवर डायग्राम वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उनके बीच का एंगल कितना है 90। इन केस व्हेन वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस फिंगर किसके डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ द चार्ज थंब, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, चार्ज इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड हेंस दैट चार्ज पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ, यानी कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में डेविएट होगा। अगर यही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो क्या होगा, इन केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इट इज ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, थंब इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट दिस रूल इज वैलिड फॉर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इन केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्लेमिंग रूल से जो डायरेक्शन आ रहा है नेगेटिव चार्ज पर फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड साइड में, तो वो किधर टर्न होगा, डाउनवर्ड साइड में टर्न होगा एंड फॉलोज ए सर्कुलर पाथ। अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप ध्यान दें। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय एमवी अपॉन क्यूवी, और एमवी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड मोमेंटम, इट इज आल्सो इक्वल टू पी अपॉन क्यूबी। ओके, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एंटरिंग टू द सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम मोमेंटम, अब आप ध्यान देना मोमेंटम सेम है, मोमेंटम कैसा है, सेम है, मोमेंटम सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो दोनों की सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी वो सेम होगी, लेकिन एक चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पहले की ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड साइड में होगी और दूसरे की ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड साइड में होगी, लेकिन सर्कुलर पाथ जो वो फॉलो करेंगे दोनों की रेडियस इक्वल होगी। यही क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि दे एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेकिन मास तो सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है इट इज लेस देन द मास ऑफ द प्रोटॉन, तो मास कम है तो रेडियस कम होगी, तो यानी कि प्रोटॉन विल फॉलो द सर्कुलर पाथ ऑफ लार्जर रेडियस, वेयर इज इलेक्ट्रॉन फॉलोज द सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस, उसकी जो रेडियस होगी वो कम होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें एनालाइज कर क्या क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना आना चाहिए। चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, angle between magnetic field and velocity vector is 90, sine of 90 is 1, it means the magnetic force is equal to QVB, and in such case as the force is acting perpendicular to the velocity at all the places, that force provide, yani ki that force can be called as centripetal force, yani ki wo centripetal force provide kar raha hai, this magnetic force provide necessary centripetal force to the charged particle, hence charged particle moves along a circular path of this radius. Okay, ab ye jo relation hai, is relation ko hum different form mein likh sakte hain, we know that radius of circular path followed is equal to mv by qb. Okay, product of mass into velocity, it can also be expressed as momentum upon qb. Okay, and we know that momentum is equal to under root of, momentum is equal to under root of 2m EK, where EK represent kinetic energy, तो हम इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन को चूज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि इट इज गिवन दैट ए प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, ए प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल दे आर एंट्रिंग टू द इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम मोमेंटम, अब बात आ रही है विथ सेम मोमेंटम, यानी कि दोनों का मोमेंटम सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। नाउ कंपेयर
द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय देम, यानी वो जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे उनकी रेडियस को हमें कंपेयर करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है और रेडियस को हमें कंपेयर करना है, तो सीधा सा मतलब है कि हमें जो रिलेशन यूज करना है वो कौन सा है, आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू पी। अब आप ध्यान दें कि पहला पार्टिकल कौन सा है, प्रोटोन। प्रोटोन के लिए जो रेडियस है हम उसको लिख देते हैं आर वन एंड इट इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वन पी। और सेकेंड पार्टिकल हमारा कौन सा है, अल्फा पार्टिकल, उसकी जो रेडियस है वो आर टू लिख देते हैं और उसका भी मोमेंटम क्या है, पी, और उसका चार्ज कितना है, क्यू टू बी। हमें इनकी रेडियस को कंपेयर करना है, तो रेडियस को कंपेयर करने का मतलब क्या है, वी हैव टू टेक देयर रेशियो, या तो हमें बताना है विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, या फिर फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय दैट। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, और वी गेट द रेशियो ऑफ, यानी वी विल हैव क्यू टू बाय, सॉरी वी विल हैव क्यू टू बाय क्यू वन, वेयर क्यू टू इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस, इट कंटेन्स टू प्रोटॉन, चार्ज ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज 2e, वेयर एज चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू e। तो जैसे ही हम वैल्यूज रखेंगे 2e by a, we get the ratio of r1 and r2, that is 2:1। अब ये क्वेश्चन था कि when they enters uniform magnetic field with same momentum, यही क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता था कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल दे एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम काइनेटिक एनर्जी, नाउ कंपेयर देयर रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय देम। अब आप ध्यान देना कौन सा रिलेशन यूज होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम ई के अपॉन क्यू बी। ओके, अगेन फॉर प्रोटोन, फॉर प्रोटोन आर वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ M1, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है इसलिए मैं इसको ईके ही लिख रहा हूं, चार्ज डिफरेंट होगा एंटरिंग टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बी भी सेम है। अब अल्फा पार्टिकल के लिए, फॉर अल्फा पार्टिकल आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट, अल्फा पार्टिकल का मास डिफरेंट है तो एम टू, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है इसलिए दोनों में हमने ईके ही लिखा है अपॉन क्यू टू बी। ओके, चार्ज डिफरेंट है, जैसे ही हम इनका रेशियो लेंगे R1 by R2, ध्यान देना फर्स्ट पार्टिकल हमारा प्रोटोन है, सेकंड पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, तो रेडियाई सर्कुलर पाथ की जो रेडियाई है उसका रेशियो अगर हम लेंगे तो R1 by R2 लेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, EK से EK कैंसिल होगा, B से B कैंसिल होगा, यहां पर रूट के अंदर बचेगा M1, यानी कि रूट ऑफ M1 अपॉन Q1 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ M2 अपॉन Q2। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वो आएगा R1 by R2 is equal to root of M1 by M2 into Q2 by Q1, वो root से बाहर है। अब आप ध्यान देना कि ये प्रोटोन है, प्रोटोन का मास अगर M है तो अल्फा पार्टिकल इट इज अ हीलियम न्यूक्लियस एंड इट कंटेन्स फोर न्यूक्लॉन्स। ओके, तो अगर एक न्यूक्लॉन का मास M है, यानी प्रोटोन का मास अगर M है, तो चार न्यूक्लॉन का मास लगभग कितना होगा, 4m। इसका मास कितना हो गया, 4m। प्रोटॉन का चार्ज है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन के इक्वल, हीलियम में दो प्रोटॉन्स है तो उसका चार्ज होगा 2e। तो यानी ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो m1 किसके इक्वल है, m1 का मतलब मास ऑफ द प्रोटॉन विच इज m, m2 का मतलब मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच इज 4m। ओके, इनटू q2 चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल 2e, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन e, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एम से एम कैंसिल 1 by 4 which is equal to 1 by 2 and it is 2 by 1, it means R1 by R2 is equal to 1:1। तो क्वेश्चन यहां पर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां पर ये भी गिवन हो सकता था they enters uniform magnetic field with the same velocity, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन जहां मैंने दो पार्टिकल लिए प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, इसकी जगह अल्फा पार्टिकल एंड ट्राइटियम हो सकता था, यानी ड्यूटेरियम हो सकता था। ओके, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हो सकता था, कोई से भी पेयर्स हमें गिवन हो सकते थे। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें एक रिवर्स क्वेश्चंस भी बनते हैं। रिवर्स क्वेश्चन का मतलब आपको रेडियाई का रिलेशन गिवन है और हमें उनके मोमेंटम को या वेलोसिटी को या काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना होगा।
तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। अब हम उसी के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, और इस इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी हम सेम चीज ले रहे हैं, दो ही पार्टिकल ले रहे हैं, ऑल्दो द पार्टिकल मे बी डिफरेंट, यानी कि हाइड्रोजन के ही तीन आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, कोई भी हो सकता है। तो मान लेते हैं यहां पर हम एक काम करते हैं, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरियम ले लेते हैं। ओके, अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस, वेयर एज ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन H12। नाउ इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको रेडियस का रिलेशन पहले से गिवन है। मान लेते हैं कि दीज टू पार्टिकल दे आर एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर पाथ ऑफ सेम रेडियस इन सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की रेडियस सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलेट कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू कंपेयर देयर मोमेंटम, हम उनके मोमेंटम को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो रिलेशन कौन सा यूज होगा, आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी। अब आप ध्यान देना कि पहला पार्टिकल कौन सा है, अल्फा। ओके, उसकी रेडियस, उसका मोमेंटम, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पार्टिकल ड्यूटेरियम, रेडियस, मोमेंटम, यानी हमने दोनों के लिए रिलेशन देखा है, ऑलरेडी गिवन है कि दोनों पाथ के, सर्कुलर पाथ की रेडियस सेम है, आर सेम है, दोनों का मोमेंटम हमें कंपेयर करना है, एंड दे आर मूविंग थ्रू द सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी भी सेम है। क्या इनका चार्ज सेम है, क्या उनके मोमेंटम सेम है, मोमेंटम हमें कंपेयर करना है। मान लेते हैं इसका मोमेंटम P1 है, इसका चार्ज Q1 है, इसका मोमेंटम P2 है और चार्ज Q2 है। अब क्योंकि दोनों के R इक्वल है, रेडियस इक्वल है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं एज P1 अपॉन Q1 B इज इक्वल टू P2 अपॉन Q2 B। ओके, B से B कैंसिल हो जाएगा, फ्रॉम हियर वी कैन राइट P1 बाय P2 इज इक्वल टू Q1 बाय Q2, क्योंकि मोमेंटम कंपेयर करना है। तो ये हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम डिवाइडेड बाय सेकंड पार्टिकल, हमें P1 बाय P2 चाहिए और इसके अकॉर्डिंग हमें आ गया Q1 बाय Q2। Q1 इज द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच इज इक्वल टू 2E, क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन्स है और ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन है, तो उसका चार्ज कितना होगा E, तो ये आ गया 2E बाय E, मींस इट इज इक्वल टू 2:1, यानी उनके मोमेंटम का रेशियो क्या हुआ, 2:1। नाउ सपोज इन एक और क्वेश्चन हम इसका ले लेते हैं जिसमें ये गिवन है कि दोनों चार्ज पार्टिकल सेम सर्कुलर पाथ, सेम रेडियस की सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू कंपेयर देयर वेलोसिटी, तो यहां पर सर्कुलर पाथ की रेडियस सेम है, वेलोसिटी कंपेयर करना है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, तो हम इस पार्ट को यूज करेंगे, यानी हमें रिलेशन जो यूज करना हुआ है आर इज इक्वल टू एमवी अपॉन क्यूबी, क्योंकि हमें वेलोसिटी कंपेयर करना है। तो हम चाहें तो इस यहां से वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू बी इंटू आर बाय एम, ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। अब पहला पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल कौन सा है, ड्यूटेरियम। तो अल्फा पार्टिकल के लिए वेलोसिटी है V1, उसका चार्ज Q1 है, मैग्नेटिक फील्ड B है, उसकी जो रेडियस है वो R है, उसका मास M1 है। फॉर ड्यूटेरियम उसकी वेलोसिटी V2 है, चार्ज Q2 है, मैग्नेटिक फील्ड B है, R और M2, यानी फॉर्मूला हमने सेम यूज किया है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, दे आर मूविंग थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए B सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए हमने रेडियस को भी R लिखा है, सेम लिखा है, लेकिन चार्ज डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, तो इसको हमने Q1 बाय M1 और यहां पर Q2 बाय M2। अब जब हम इनकी वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने का मतलब है वी हैव टू टेक द रेशियो V1 बाय V2, तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव Q1 बाय M1 डिवाइडेड बाय Q2 बाय M2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा V1 बाय V2 इज इक्वल टू Q1 बाय Q2 इंटू M2 बाय M1। अब आप देखें कि अल्फा पार्टिकल, पहला पार्टिकल हमारा कौन सा है, अल्फा पार्टिकल, इसका चार्ज कितना है 2E। दूसरा है हाइड्रोजन का आइसोटोप, इसमें एक ही प्रोटॉन है, इसका चार्ज कितना होगा E। अल्फा पार्टिकल में चार न्यूक्लोन होते हैं, इट कंटेन्स 4 न्यूक्लोन, क्योंकि यह है HE24 और यह है H12, इसका मास कितना है 4m के बराबर है और इसका मास कितना होगा 2m के इक्वल है। तो जब ये वैल्यूज रखकर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 4:1, तो V1 बाय V2 इट इज इक्वल टू E से E कैंसिल, 2 बच गया, M से M कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इट इज इक्वल टू 4:1। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें पार्टिकल डिफरेंट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। यहां पर हमने बात की है रेडियस की,
टाइम पीरियड से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ओके, तो यहां पर इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज इन द टू केसेस। तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है उसको समझ कर उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।